बात हम कर रहे थे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। एसीएस मेडिकल रोहित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, इस स्थिति को किस तरीके से आप देख रहे हैं और अब कौन कौन सी एहतियात बरतने की तैयारी भीलवाड़ा के अंदर की जा रही है, खासकर इस परिवार को लेकर? ये जो जिन व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट मृत्यु हुई है उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा जी। उनकी उम्र 73 साल थी और ये पहले जब कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनके पास कोरोना के सिम्टम्स नहीं थे, ये जब भीलवाड़ा में कोरोना हुआ उसके पहले 4 से 11 मार्च तक ये अस्पताल में थे बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज एंड अ ब्रेन स्ट्रोक, और वो कोमा में भी थे जी। तो फिर उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था और वहां चूंकि उस अस्पताल में ही प्रॉब्लम थी और सब लोगों का सैंपल लिया गया तो उनका सैंपल पॉजिटिव आया था जी। तो ये क्लियरली कोमॉर्बिडिटी का केस है, उनकी कंडीशन अदरवाइज खराब थी जी, इसलिए उनकी डेथ हुई है। तो इसको तो सर प्राइमरी फेस है, ये माने कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी जो डेथ हुई है वो किडनी फेलियर या किडनी की वजह से हुई है? हाँ, उनकी उनको जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे उसके पहले से ही डायलिसिस पे थे, किडनी के पेशेंट थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था जी, वो कोमा में भी थे जी, पर चूंकि उस अस्पताल में और लोग भी इन्फेक्टेड थे इसलिए उनकी जो कोरोना का भी टेस्ट किया गया जिसमें वो पॉजिटिव आए थे जी। अच्छा रोहित जी, क्योंकि उनके परिवार के बारे में जान रहे थे, भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन बता रहे थे कि सैंपल लिए तो गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट आई नहीं, कितना टाइम लगेगा सर? तो उनके जो सैंपल्स हैं वो भीलवाड़ा से जयपुर आते हैं, अभी हमारे पास जयपुर में 42 सैंपल्स है भीलवाड़ा के, उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी कुछ घंटों में उपलब्ध हो जाएगी तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, उनके अंतिम संस्कार को लेकर किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि वहां पर सहयोगी बता रहे थे कि उनको नहलाया नहीं जाएगा, जो हिंदू रीति रिवाज है उनको भी नहीं करने के लिए बोला गया है, तो फिर अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाएगा, कोई गाइडलाइन जारी की गई सर इसको लेकर? जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के डेथ है उसके बॉडी डेड बॉडी के मैनेजमेंट की भारत सरकार की गाइडलाइंस है जी, उनको ही फॉलो किया जाता है, वो हमारे सारे सीएमएचओ के पास हैं जी, तो वो जो व्यवस्था उसमें बताई गई उसी व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई करनी होगी अगर इस डिजीज को स्प्रेड करने से रोकना है जी। ठीक है। अच्छा सर, एक अफवाह और उस पर मैं चाहूंगा कि उस पर और आप जरा बताएं कि कल से अफवाहें सोशल मीडिया पर भी उड़ रही है अलग तरीके से कि बारिश होने के बाद इसकी जो मोर्टिलिटी रेट है वो बढ़ जाएगी, कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये अफवाह बिल्कुल गलत है, बारिश से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। और ये तो जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनके खांसी और छींक के बाद जो मुंह या नाक से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं केवल उसके माध्यम से इसका संक्रमण होता है जी, और बारिश से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या राजस्थान कोरोना को लेकर स्टेज 3 की तरफ या स्टेज 3 में पहुंच चुका है सर? स्टेज 3 में बिल्कुल नहीं पहुंचा है और अभी तक जितने केसेस हैं राजस्थान में या तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है जी, या भीलवाड़ा में एक डॉक्टर साहब जो पॉजिटिव थे उन्होंने अपने मरीजों को देखकर अपने साथियों को इन्फेक्ट किया है जी, तो अभी तक जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल नहीं हुआ है, तो ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं है। पूरा विभाग माननीय मुख्यमंत्री में सर अगले 2 वीक क्रूशियल रहने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगले 2 वीक बहुत क्रूशियल है, इसलिए इस बीमारी का एक ही इलाज है जो मैंने पहले भी कहा था, कृपया अपने घर में रहें, कृपया अपने घर में रहें और कृपया अपने घर में ही रहें। अच्छा सर, एक और समस्या आ रही है, सैनिटाइजर की समस्या आ रही है, मार्केट में मिल नहीं रहा है, कालाबाजारी हो रही है, सरकार की तरफ से सैनिटाइजर प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी, क्या मार्केट में वो कब तक उपलब्ध होगा? सैनिटाइजर की समस्या 2 दिन पहले तक जरूर थी बिकॉज कुछ लोगों ने पैनिक बाइंग कर रखी थी जी, पर अभी सरकार ने कल ही गंगानगर शुगर मिल्स को परमिशन दी है और अन्य ब्रूवरीज को भी परमिशन दी है सैनिटाइजर बनाने की जी, तो वो प्रोडक्शन शुरू हो गया है और उसकी सप्लाईज भी जारी हो गई, तो सैनिटाइजर की कोई समस्या स्टेट में नहीं आएगी। सर एक और अंतिम सवाल आपसे, कल काफी निकायों के अंदर सैनिटाइज किया गया, मशीनों के जरिए सैनिटाइज किया गया, रात होते होते शाम होते होते तेज बारिश आई, तो क्या वो जो सैनिटाइज किया गया था उसका पूरा असर खत्म हो गया या फिर उसका असर बचा और अब दोबारा सैनिटाइज करने की जरूरत? इसमें देखिए, वो तो जो आप बात कर रहे हैं वो डिसइंफेक्शन होता है, जो सैनिटाइज तो ह्यूमन उसको किया जाता है, मतलब अपने हाथों को वगैरह को, और जो उन्होंने नगर पालिकाओं ने किया है वो डिसइंफेक्ट किया है 1% हाइड्रोक्लोराइड से, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से, तो वो दोनों अलग चीजें हैं, और बारिश से तो बल्कि ये और व्यवस्था साफ होगी और उसको कंट्रोल करने में आसानी, यानी कहा जा सकता है फ्लश आउट का काम बारिश ने किया है। रोहित कुमार जी, सर एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बस अंतिम सवाल, आज का आंकड़ा जारी नहीं किया सर, बता पाएंगे कि अभी तक का आंकड़ा क्या है, आज कितने पॉजिटिव मरीज आए या बिल्कुल नहीं आए?
अभी सुबह दो पॉजिटिव मरीजों की सूचना थी, पर उसको कंफर्म होने के बाद ही हम जारी कर पाएंगे। उसका कंफर्मेशन किया जा रहा है, क्योंकि हम गलत आंकड़े मीडिया में नहीं देना चाहते। सर, ये कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के, झुंझुनू के? झुंझुनू के। झुंझुनू के। रोहित कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और उन अफवाहों का खंडन करने के लिए भी जो लगातार फैल रही है। बार बार हम कह रहे हैं कि दरअसल बारिश के बाद कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बारिश के साथ उसका सीधा कनेक्शन नहीं है। इतर आप अगर इसको समझेंगे तो बारिश की वजह से फ्लश आउट हुआ है, राहत की बात है, लेकिन फिर भी आपको घर में रहने की जरूरत, क्योंकि भीलवाड़ा में जो तस्वीर सामने आई, भीलवाड़ा के अलावा कई और अन्य जगहों पर भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और जैसे कि रोहित कुमार जी बता रहे थे कि दो और पॉजिटिव, लेकिन कंफर्म वो नहीं कर पाए कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो कंफर्म इसको नहीं करेंगे। विकास, मेरे सहयोगी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, रोहित कुमार जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई चीजों का जवाब दिया, लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या वाकई में वो कह रहे हैं कि स्टेज थ्री की तरफ हम नहीं है, तो ये इसलिए कहा जाए कि वो चाहते हैं कि पैनिक ना फैले, लोग थोड़े ना डरे? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जिस तरह से बात आई है पॉजिटिव केस की और साथ अब आज पहली मौत जो भीलवाड़ा के अंदर पहली मौत हुई है, इसको देखते हुए हम इस बात को कह सकते हैं कि राजस्थान जो है थर्ड स्टेज की ओर पहुंच चुका है। क्योंकि जो थर्ड स्टेज वही मानी जाती है, इसके अंदर एक मरीज जो बाहर से ट्रेवलिंग करके आया है, उससे कम्युनिटी के अंदर जब कोई चीज फैलती है तो उसको हम थर्ड स्टेज की तरफ मानते हैं, और वो थर्ड स्टेज राजस्थान के अंदर आ गई, क्योंकि राजस्थान में कई केस ऐसे आ गए हैं पिछले दिनों में जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले हैं। अगर ये बात अगर ट्रांसमिशन फेज की बात करते तो वो तो बाहर से आ ही रहे हैं केस, लेकिन साथ में यहाँ के लोग जो है जो यहाँ स्वस्थ थे, जो कि इन कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों के संपर्क में आने की वजह से पॉजिटिव आए हैं, तो ये वो केस है, वो ये वो स्टेज है, वो थर्ड स्टेज की बयां कर रही है। लेकिन आज चिंता की बात ये कि आज पहली मौत राजस्थान में, पहली मौत जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज की 70 साल की वृद्ध बताई जा रही है। लेकिन हालांकि अभी तक जो बताया जा रहा है उसमें बुजुर्ग थी 70 साल की और काफी सिक कंडीशन में थी। बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जरा समझ